विदिशा जिले के सिनौंज में रात से हो रही तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, कई रास्ते बंद हो गए हैं, घरों के अंदर पानी घुसने से लोग परेशान हैं। सिनौंज में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहां घरों के अंदर पानी भर गया है, खेल मैदान भी तेज बारिश के चलते तालाब के रूप में बदल गया है। बारिश से सड़कों पर 4 से 5 फीट तक का पानी भरा हुआ है, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं, मकान के नीचे का भाग डूब के चलते लोगों ने अपने अपने घरों की ऊपरी मंजिल में शरण ले ली है। बताया जा रहा है कि जिले की 10 तहसीलों में से केवल सिरौंज में 234 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। रात भर हुई इस भारी बारिश के बाद कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं, निचली बस्तियों में पानी भर गया है, वहीं नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मंडी बामोरा रोड पर ग्राम पंचायत भटोली के जवारी नदी पर बने पुल पर पानी भरा हुआ है, इससे दोनों तरफ आवागमन बाधित हो गया है। इसके अलावा कैथन नदी उफान पर आने से पंचकुइया से अलीगंज जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।